करती हूँ। अब खबरें विस्तार से। गांधी जयंती पर नागपुर में मुख्यमंत्री की पदयात्रा आज। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने सुबह 7:30 बजे गजानन नगर से पदयात्रा प्रारंभ की। इस यात्रा में महापौर नंदा जिचकार, महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास मंडल के अध्यक्ष संदीप जोशी और अन्य मान्यवर उपस्थित थे। कन्हा नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। बाकी दरगाह में दर्शन करने आए नागपुर के 2 युवकों की कन्हा नदी में डूबने से मौत हो गई है। मिली जानकारी से पता चला है कि सोमवार सुबह 2 बजे के करीब सौरभ उर्फ दादू दिघोरी निवासी, यह मृतक का नाम बताया गया, और उसके साथी रोशन भांडे प्लॉट निवासी है, तैरने के हिसाब से पानी में गए और गहराई का अंदाजा न होने से पानी में डूब गए। नागपुर विमानतल GMR के हवाले सर्वाधिक राजस्व देने वाली कंपनी को दिया गया ठेका। विमानतल के विकास के लिए चयन होने पर GMR कंपनी और MIL की विशेष कंपनी स्थापित की जाएगी। 1685 करोड़ रुपए के इस प्रकल्प में चयन होने पर GMR की 74% और MIL की 26% भागीदारी रहेंगी। तो दर्शकों, खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live देखने के लिए MNS India Play Store से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS News Live को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।